तो मेरी कल की फ्लाइट लेट नाइट हो गई कैंसल और मैंने अपने सारे इक्विपमेंट्स को पैक कर दिया था। तो माइक, ग्रीन स्क्रीन, माइक स्टैंड सब हो गया है पैक। तो हाँ, आज हाथ में माइक पकड़ के बिना ग्रीन स्क्रीन के बात कर रहा हूँ। लाइट वगैरह भी नहीं है तो थोड़ा सा मैनेज करना अगर वीडियो क्वालिटी लो हो। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि चैप्टर 260 का लीक्स आ गया है और ये बहुत ही बड़ा धमाकेदार लीक था इस बार। भैया मैं मजाक नहीं कर रहा, कुछ बहुत खतरनाक हुआ है। तो स्पॉइलर अलर्ट अभी ही बोल देता हूं, क्योंकि वीडियो में आगे जो मैं बताने वाला हूं वो नेक्स्ट लेवल पे होगा, तैयार हो जाओ। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि टोडो के मिसिंग आर्म को वाइब्रा स्लैप नाम के इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस कर दिया गया है। बेसिकली टोडो अपने बूगी वूगी के एक्टिवेशन को क्लैपिंग हैंड्स के बदले वाइब्रा स्लैप से रिप्लेस कर दिया है, जहां मेटल पीसेस के कोलिजन से और वुडन बॉक्स ऑफ वाइब्रा स्लैप की मदद से बूगी वूगी एक्टिवेट होगा। इनफैक्ट इतना बढ़िया काम करेगा कि अब तो भैया अपना टोडो 1 सेकंड के अंदर 50 बार बूगी वूगी से स्वाप कर सकता है। तो इसी स्वापिंग खेल को खेलते हुए यूजी और टोडो ये दोनों मिलकर सुकुना को पीटना शुरू कर देते हैं। अब यहां पे बताया जाता है कि टोडो भी बाइंडिंग वाव का खेल खेला है, जहां वो अपने स्वैप्स को काइंड ऑफ लिमिट कर दिया ताकि उसकी कर्स्ड एनर्जी का जो टारगेट है और जो रेंज है वो बढ़ सके। क्यों? क्योंकि सुकुना के डोमेन में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम उसका ही था ना। हां, तो टोडो सबको निकाल दिया एक्सेप्ट चोसो, जो कि मारा गया, लेकिन कोई जिंदा भी तो होने वाला है। अब टोडो की इन सब कलाकारियों को देख के सुकुना कहता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है और इसके मनोबल पे प्रभाव डालना भी काफी मुश्किल है, और ये बंदा आया भी तब है जब लिटरली मेरी लगी पड़ी है। अरे सुकुना भैया, दुनिया में आप सबकी तारीफ कर देते हो, लेकिन यूजी इटाडोरी के लिए आपके मुंह से एक अच्छी बात नहीं निकलती। ये साले रिश्तेदार होते ही ऐसे है, मतलब पड़ोसी के 60% भी आए तो भैया मेहनत किया है 60% लाया, हमारे 90% भी आए तो ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, बढ़िया से काम करो थोड़ा। खड़ागे टोडो सुकुना को लात मारने वाला होता है और सुकुना इसे मिड एयर में डॉज करता है। इसके बाद यूजी सुकुना की तरफ एक रॉक फेंकता है और टोडो रॉक से यूजी को स्वैप कर देता है, जिससे यूजी एक मिसाइल माफिक सुकुना को लात मारता है। इस पॉइंट पे सुकुना यूजी का फेस पकड़ लिया था, लेकिन ब्रदर टोडो है ना, यूजी को तुरंत ऐसे स्वैप कर दिया और स्वैप हो गया तो बच गया यूजी। अभी इतनी स्वैपिंग चली रही है तो यूजी बार बार सुकुना के ब्लाइंड स्पॉट्स पे पहुंच जाता था और सुकुना को घुसंड देता था। सिचुएशन ऐसा था मानो सुकुना, यूजी और टोडो एक रूले गेम खेल रहे हैं, जहां टोडो हर टैप पे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स को बदल सकता है। आसान भाषा में बोला जाए तो टोडो के बूगी वूगी को ठीक ढंग से प्रिडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इवन फॉर सुकुना। लेकिन मित्रों, इम्पॉसिबल शब्द सुकुना के डिक्शनरी में नहीं है, और वो टोडो के एक मूव को काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर लिया। मतलब एक पैटर्न वो नोटिस किया कि टोडो तभी स्वैप करता है जब यूजी का फोकस पीक कर जाता है। ऐसे में सुकुना अपना एनालिसिस, प्रेडिक्शन सब लगा के एक तगड़ा घुसंड यूजी की तरफ छोड़ता है कि भैया यहीं पे स्वैप होगा, मार दूंगा मैं। लेकिन तभी हवा में मेमे का कौवा उड़ रहा था और सुकुना जैसे ही उसे देखता है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। क्या गलती? वेल, सुकुना ये प्रेडिक्ट किया था कि टोडो मेमे के कौवा से स्वैप करेगा, एंड देन सुकुना उधर ही मुड़ के घुसंड मारने जाता है, लेकिन टोडो इस बार स्वैप किया ही नहीं। मतलब सुकुना मुड़ गया है गलत साइड, और ऐसे में यूजी आया और दिया एक तगड़ा कड़क ब्लैक फ्लैश। बेसिकली यहाँ लड़ाई में रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर 2-4 और रिवर्स साइकोलॉजी चल रही है। अटैक के अंदर छुपा हुआ एक और अटैक, उसके अंदर छुपा हुआ एक और अटैक, मतलब एकदम इंसेप्शन चला रहे हो, सपना के अंदर सपना। यू गेट द पॉइंट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट? हर इस पॉइंट पे यूजी अपने क्लॉ वाले हैंड को सुकुना के शरीर के अंदर घुसेर देता और उसके शरीर को चीर फाड़ करने लगता है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ सुकुना मरने वाला है, फिर भी साला वो डोमेन खोलने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वो डोमेन खोलता, यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। यस, सुकुना को एक मिस्टीरियस आकृति या परछाई दिखती है जिसे सुकुना पहचानता है। ये उस स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट की परछाई थी जिसे सुकुना अपनी हाथों से हराया था। और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? कोई और नहीं बल्कि अपना सातोरो गोजो। जी हाँ, गोजो वापसी कर चुका है। मैं मजाक नहीं कर रहा मित्रों, लिटरली गोजो वापसी कर चुका है, हमें एक पैनल दिखाया गया लीक्स में। इनफैक्ट गोजो तो कह भी रहा है, यो लॉन्ग टाइम नो सी। अब पता नहीं वो गोजो का वही पैनल है या फिर उसका जो एक और लड़ाई हुआ था वो वाला पैनल है, बट ये सब हमें कुछ बताया नहीं है। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो गया। और एडिटर का भी एक कमेंट था, और कमेंट ये था कि दोज आईज आर अनमिस्टेकेबल, यानी कि वो आंखें गोजो की ही है। अब आई नो हम सब की एक्साइटमेंट में हालत पतली हो चुकी है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि सच में क्या गोजो वापस आ गया या फिर यहां हमें बेवकूफ बना रहे गेगे सर। देखो, एंडिंग में क्लियरली कहा गया है कि सुकुना एक परछाई देखा है, एक सिलहोट, तो हो सकता है सुकुना एक ऐसे स्टेट में पहुंच गया जहां वो मरने वाला है और अब उसे घोस्ट वगैरह दिख रहे, परछाई दिख रहे हैं, और उसे गोजो दिख रहा हो। मतलब गोजो एक्चुअल में ना आया हो, बस उसे दिख रहा है, वो इमेजिन कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि गोजो वाकई में आ गया, पता नहीं चल रहा। ओके, आई नीड सम टाइम टू प्रोसेस दिस, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा अभी क्या हुआ है। लेकिन
लग तो ऐसा ही रहा है कि गोजो की वापसी हो चुकी है, जो कि लगा था मुझे कि कभी नहीं होगा। इनफैक्ट एडिटर्स कमेंट में भी था कि वो गोजो की ही आंखें हैं, तो एक बार जब इसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन आता है तभी चीजें क्लियर होंगी, या फिर अगले चैप्टर में कह नहीं सकते। और अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक आ रहा है या नेक्स्ट वीक ब्रेक है ये भी नहीं पता। जो भी हो, इंटरनेट तो ब्रेक होने वाला है गोजो की वापसी से। बस ये मत कहना कि उसके सर पे स्टिचेस है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। भाई केंजाकू मर चुका है, प्लीज केंजाकू गोजो के अंदर वापस आ गया ना तो बहुत दुख होगा मेरे को। प्लीज केंजाकू ना हो, गोजो ही हो। पता नहीं गोजो वापस किया भी कि नहीं, कुछ कह नहीं सकते इस पॉइंट पे। तो ठीक है, इस पे मैं 1-2-3 दिन बाद ओरिजिनल ट्रांसलेशन आने के बाद फिर से वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से समझ के, थोड़ा टाइम लेके। अभी टाइम नहीं है, जल्दी से वीडियो डाल रहा हूं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अभी के लिए तो यही समझो कि शायद गोजो वापस आ गया, और आज की वीडियो में इतना ही। एक एनालिसिस वीडियो तो बनता है भाई 50-60 थियरीज के साथ कि गोजो वापस आया भी तो कैसे आया, आया है भी कि नहीं, एक बनाऊंगा मैं वीडियो, टेंशन मत लो। बट आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए तो मैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। पीस आउट। आज एक ही हाथ से, क्योंकि एक में माइक है।